झाबुआ में युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब कांग्रेस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ SC ST एक्ट के सहित धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस बीजेपी नेताओं के दबाव में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के नगर मंडल के उपाध्यक्ष अर्पण मिश्रा पर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। हालांकि इस मामले में 12 दिनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ सिर्फ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। वार्ड क्रमांक 12 गोपाल कानूनी की बच्ची ने आत्महत्या की है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि जो आरोपी है अर्पण मिश्रा, उसने कुछ समय पहले भी एक बाइक से बच्चे को उसने एक्सीडेंट किया था, तो एक घर का चिराग उसने उजा दिया था। अभी भी उसने एक घटना करी है, एक बच्ची को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया, तो बच्ची ने आज आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है। तो उसलिए हम लोग आज आवेदन देने सर को आए हैं कि सर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे उस पर 376, 302 और SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि आने समय में समाज में वैसे जाना चाहिए कि इस तरह से जो तरंग करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।